नाम संतोष है। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी कितने साल के हैं? मैं 22 साल की। पहली बार वोट देने? जी हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी पहली बार वोट देने? पहली बार वोट देने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही इनसे उम्मीद करती हूँ कि हम वोट दे रहे हैं, इनको सब कुछ अपना सब कुछ मान के घर का काम वगैरह सब कुछ छोड़ के वोट देने के लिए आए, और ये भी हमारी गली में हमारी जो समस्या है उनको सभी को सॉल्व करे और सभी महिलाओं की तकलीफ को समझे सुने, उनको भी मदद करे, बस यही उम्मीद करके हम वोट देने के लिए आए। आपके क्षेत्र में आपके आसपास आपको लगता है सभी महिलाएं जागरूक है वोट देने के लिए और घर से निकलती हैं? जी हाँ, पहले कोई ऐसा समझता नहीं था, सभी महिलाएं समझती, आज जो अनपढ़ है वो भी समझती है, घर पे जाकर उनको समझाते हैं, एक महिला की बात समझ सकती है आसानी से, और अभी सब महिलाएं वोट देने के लिए आई है और इनको भी लगता है कि वोट देना बहुत जरूरी है, ये सभी भी अपना घर का सारा काम छोड़ के यहाँ पे वोट देने के लिए आई है और इनको लग रहा है कि हाँ वोट देना जरूरी है, ये हमारी बात सुनेंगे इसीलिए ये वोट देने के लिए आई है। अच्छा, कई लोग होते हैं कहते हैं एक वोट से क्या फर्क पड़ता है और घर से बाहर नहीं निकलते वोट देने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप वोट नहीं देंगे तो ये उसमें आपका ही घाटा है, क्योंकि जो वोट देगा आप ये समझ के वोट दोगे कि हम जाएंगे वोट देने तो हमारी कुछ समस्या सॉल्व होगी, तो आप अपने उम्मीदवार को इस तरह से चुने जो आपकी समस्या कर सके, एक अच्छा उम्मीदवार चुने जो आपकी समस्या को सॉल्व कर सके, आपकी गली या किसी महिला बहन बेटी के लिए कुछ कर सके उसी को आप वोट दें। क्या नाम है आपका? पिंकी डौकिया। पिंकी डौकिया जी कितने साल के आप? 23 साल के। 23 साल के पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ। कितनी खुशी है पहली बार वोट दे? बहुत खुशी है कि हम इस लोकतंत्र के इस चार में हम शामिल हो रहे हैं। अच्छा, आपके घर परिवार में लोग वोट को लेकर जागरूक हैं? सभी लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं? सभी लोग जागरूक हैं, हमारी कॉलोनी में भी सभी लोग वोट देने के लिए जल्दी जल्दी सुबह आ रहे हैं, सबका जिस केंद्र पे मतदान है वो सब उस जगह जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सहनाज। सहनाज जी कितने साल के हैं आप? 24 साल के। 24 साल के पहले भी वोट दे चुके हैं और दूसरी बार वोट देने आए? जी। कैसा लगता है आपको वोट देना? जिस दिन वोट मतदान के दिन होता है उस दिन आपको क्या अनुभव होता है, क्या कैसा लगता है? हम अपने लिए एक अच्छा नेता चुने, हमारे लिए एक अच्छे काम करे, बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है महिलाएं यहाँ पर वोट देने को प्रति जागरूक है या आज भी महिलाएं घर पे काम काज में रह जाती है? नहीं, बहुत जागरूक है महिलाएं। आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर से सभी लोग आज वोट देने निकले? हाँ जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम फातिमा है जी। क्या कहना चाहेंगे आज आप मतदान देने आई हैं, कितनी दूर से आई हैं? हम मतदान तो हमारा इस मोहल्ले में ही मकान है, लेकिन हम सुबह 7 बजे से ही जागरूक है, अपने घर के काम काज बंगों को छोड़ा कर बोलते हैं पहल जाके वोट दे दो, ये वोट देना अपना हक है। अच्छा। जो भी सरकार है आप चुनना अपना हक है, इसलिए सब वोट दे दो। घर के काम काज बाद में होंगे लेकिन वोट पहले? वोट पहले होंगे, घर के काम काज बाद 7 बजे के बाद ही होते हैं काम, तो मैंने सबको पहले वोट दे दो, अपने प्यार वगैरह मोहल्ले वाले, और बाद में काम काज करते रहना, ये तो एक दिन आता है और काम काज तो हमेशा होता रहता है। आप कितने साल के हैं? मैं 55 साल की। 55 साल के। आपको ये महिलाओं की स्थिति क्या रही है इन 55 सालों में? पहले महिलाएं जो इतना वोट देने घर से निकलती थी, क्या आज उसमें संख्या में कुछ इजाफा हुआ है? हाँ, इजाफा है, पहले से ज्यादा इजाफा है। अब तो जल्दी से जैसे वोट दे के आओ और सबसे पहले वोट दो, और वोट में अपना हक भी समझते हैं, पहले तो एक वोट है, वोट है सोखता, अब तो वोट का क्या महत्व है वो महत्व समझते हैं। अच्छी तरह से 55 साल पहले अब जब पहली बार आपने वोट दिया था तब उस वक्त क्या महिलाएं घर से बाहर निकलती थी वोट देने के लिए या फिर उतना ज्यादा उसको वोट देने को? हाँ, निकलती तो थी लेकिन इतनी ज्यादा एकदम नहीं निकलती थी जैसे आज हो रही है वैसे, और जाती थी काम काज में, जाती कोई इस तरह से जाती थी लेकिन इतनी नहीं थी, दे भी दिया ना भी दिया एक ही बात थी पहले, तो ऐसे समझते, अब अपना वोट सब समझते हैं। कितनी देर से लगे थे लाइन में और कितनी देर बाद नंबर आया? आगे आधे घंटे से। आधे घंटे लगे और लाइन में नंबर आ गया। क्या कहना चाहेंगे आज आप वोट देने आई हैं? मैंने पहली बार वोट दिया है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। पहली बार आपने वोट दिया? हाँ। आपके पास वोटर कार्ड? क्यों, मेरा नंबर नहीं आया था लिस्ट में, पहली बार आज आपका नंबर आया। हाँ। कितनी दूर से आप आई है? बस यहीं से, पास से। पास से आप आई है। आपके घर में भी कई काम सुबह सुबह महिलाओं की जिम्मेदारियाँ होती? हाँ, काम तो ही। क्या कहना चाहेंगे उन जिम्मेदारियों के बाद भी आज आप मतदान देने आए? दिन आना पड़ता है, क्या करें, मतदान है की बस। कैसा लग रहा है पहली बार आप वोट दे रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? नसीम। नसीम जी कितने साल के हैं आप? मैं 24 साल की। 24 साल की, इससे पहले भी वोट दे चुके हैं? हाँ। अच्छा, आप मैं देख रहा हूँ गुड़िया को गोद में लेकर आप वोट देने यहाँ पर आए हैं, घर की जिम्मेदारियों के साथ देश की जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आज मतदान को लेकर, कैसा महसूस कर रही हैं आज वोट देने आप आइए?
बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ मैं कि अपना वोट लग रहा है, मैं अपना वोट अपने मन चाहे जिसको दूंगी। अच्छा, देखा जाता है अमूमन महिलाएं घर की जिम्मेदारियों में ही कहीं रह जाती है और मतदान के दिन कई बार घर से बाहर नहीं निकल पाती, क्या ऐसी स्थिति यहाँ पर है बाड़मेर में? कहीं पे होगी भी ऐसी, ऐसा नहीं है कि, फिर भी वोट देने के लिए हम हमेशा खड़े हैं।